तो देखिए चौथे दिन में ही हिल में कार चला रहे हैं ये। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जब चार दिन में ये कार चला सकते हैं तो आप क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है पीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। सिद्धार्थ भाई, इनकी आपने ड्राइविंग देखी होगी, तीसरे दिन में इन्होंने ट्रैफिक में कार चला ली थी, तो आज है इनका हिल ड्राइविंग। तो देखिएगा दोस्तों मैं इनको कैसे सिखाऊंगा और कैसे चलाएंगे। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग। रिवर्स गियर, यहां से ब्रेक करेंगे, गलत नहीं दबाया है। चलो स्टार्ट करो, चलो गलत छोड़ो, अब पूरा स्टीयरिंग घुमाओ, देखो फुल घुमाओ, कपड़ा निकाल दे, पहले रोको, क्लच और ब्रेक, चलो सीधे। तो हम गर्दिया मंदिर से रामनगर की ओर जाते हैं। हाफ क्लच प्रेस देना, पत्थर वाला है प्रेस। हाँ, रेस भी दो हल्की हल्की, हाफ क्लच प्रेस, हाँ रेस दो, क्लच हाफ क्लच, और क्लच छोड़ो, हाँ ये ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ था तेरे सुन, बोल बोल, बताओ तो, मैं पूरा नहीं बताया यार। भाई ने एक दिन चाबी गाड़ी के अंदर ही लॉक कर दी थी, दरवाजे लॉक कर दिए मैंने, से ऊपर कर दिए चाबी, चाबी गाड़ी के अंदर ही रहने दी थी। इन्होंने मुझसे बोला था कि उनसे इनकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है, तो हो जाती होगी तो अच्छी बात है। तो ये यही गाड़ी थी, यही दूसरी वाली। और इन्होंने बोला कि क्या बोलते, ये चले गए थे वॉशरूम करने, इन्होंने बोला गाड़ी लॉक, हां ये इन्होंने कहा गाड़ी वाड़ी लॉक कर दे, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी गाड़ी लॉक करी मैंने, और मैंने कहा कि एक बार इन्होंने ऐसा कहा था तो चलो आज ट्राई कर लेते हैं। मैंने चाबी छोड़ दी अंदर, सारे दरवाजे लॉक करे, ये भी कर दिया, बाहर से लॉक हो जाता है ऐसे बिना उसकी चाबी के। उसके बाद मैंने बोला कॉल तो देंगे, मैंने इनसे बोला भैया ये आए उधर से रोड क्रॉस करी इन्होंने, तो मैंने गाड़ी लॉक कर दी सारी शीशे से, चाबी गाड़ी के अंदर, चाबी गाड़ी के अंदर। अच्छा, तो उससे मजाक कर रहे हैं, उसने कोई शीशा खुला, पर ऐसा कुछ नहीं था। जब इनको एहसास हुआ कि हाँ ऐसा कुछ ये सत्य बोल रहा है, ये सत्य बोल रहा है, तो इन्होंने कुछ सुनाया थोड़ा पहले मुझे, पहले तो बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया इसको मैंने, उसके बाद पहले मुझे फिर घर आया, मैं स्केल लेके आया, ट्रेनबुक डिपो में भेजा, मैंने स्केल लेके आया लंबी वाली, पहले स्केल लाया, पैदल गया स्केल लेके आया, फिर से स्केल से भी नहीं हुआ है बहुत देर तक। फिर इन्होंने बोला आप रामनगर जा मेरे ऑफिस मेहनत तो लगती है, लेकिन बंदे ने कभी किया वही कर सकता है, जिसने किया हो, क्योंकि मैंने कई बार कर चुका हूँ, हाँ, मैं लॉबी के चाबी के लॉक खोल देता हूँ। इसको उस दिन पनिशमेंट दी ना मैंने, फिर मैंने इसको रामनगर भेजा, रामनगर भेजा मैंने, कहा पनिशमेंट कहाँ जाना है, क्या जाना है, गाड़ी सिखाने में था, तो आप खोल देता हूँ, मतलब किससे खोलते हो, स्केल से, स्केल से खोलता है, हाँ ऐसा तो आप कोई भी लॉक खोल दो, नहीं कोई भी लॉक नहीं खोलते ना, हर गाड़ी का, इस गाड़ी खुल जाए, ये वाले खुल जाए, अब तुरंत सेकंड गियर। तो हम पहाड़ में पहुंच चुके हैं, तो एक जरा ये ध्यान देना तुम यार, तुम्हारा ना गियर चेंज करते समय एक्सीलेटर में पैर रहा है सिद्धार्थ भाई, ठीक है, गियर चेंज करते समय एक्सीलेटर में पैर मत रखो। ओ आज तो रामनगर में जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है और यहाँ तो पसीने निकल गए हैं गर्जिया मंदिर, आराम से चलना है, पहाड़ों पर ध्यान दे, 20 से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ब्लाइंड मोड है, हॉर्न भी दो कोई आ रहा होगा सामने से, तो ठीक है हॉर्न देना बहुत जरूरी है। मैं मसूरी गया था तो रास्ता में लिखा हुआ था आगे अंधा मोड़ है, आगे अंधा मोड़ है, कहीं कहीं भी पड़ा होगा टेढ़ा मेढ़ा बाट हिटो माठू माठ, अच्छा रात में इतना दिया, पर अच्छा रात में, तो इस भाई को मैंने ही गाड़ी सिखाई थी एक साल पहले, और अब ये तो पता नहीं कहाँ का जोशी मठ ओली पता नहीं कहाँ का, मैं बता भी नहीं सकता, मंसूरी देहरादून, इतने उत्तराखंड का कोना कोना छानने वाला है बंदा ये, तो देखिए कुछ कहना चाहोगे, मजा आ रही है, मतलब कहना क्या चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया सिखाया आपने, बहुत सारी मतलब ऐसी नॉलेज भी थी, गाड़ी चलाना ही चलाना सब कुछ नहीं होता है, मतलब गाड़ी को समझना, दूसरे की ड्राइविंग समझना, कहाँ पे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, मतलब कहीं बाहर जाके ऐसा नहीं कि चौड़े हो जाओ तुम ही हो जो, ये नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं ड्राइविंग में, ये नहीं कि बस स्टीयरिंग पकड़ लिया गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें
आती है जो मतलब खुद से भी आती है, जो कोई सिखाता नहीं है। अभी हम भी मतलब सीख ही रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि बन गए हम भी सब, पर अभी तो चल ही रहा है। बीच बीच में फोन कर देता है, जहाँ कहीं दिक्कत होती है तो पूछना पड़ता है कि इसका क्या होगा, यहाँ पे कैसे होगा। चलो भाई ये बहुत बढ़िया बन चुका है ड्राइवर यार। चलो अच्छा ही यार, मैं तो चाहता ही हूँ मेरे से जो सीख के जाए तरक्की करे। तो ज्यादा हो रही है, लग रहा है आपने मैराथन में भाग लेना है क्या? दूसरे गियर की स्पीड 20 तक, तो 20 से ऊपर नहीं, ठीक है? अभी यहाँ पर हम दूसरे गियर में चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना, हिल है, तो यहाँ पर आपने आराम से चलना है। तो दूसरा गियर अगर आपने डाला तो दूसरे गियर की ही स्पीड रखो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ी कमियां हैं, कोई बात नहीं, आज चौथा दिन तो है। तो देखिए चौथे दिन में ही हिल में कार चला रहे हैं ये। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जब चार दिन में ये कार चला सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जय माता दी। हमारे बारे में बहुत ज्यादा ही टफ। भाई कैसा टेस्ट होता तुम्हारे बारे में? हमारे बारे में तो ऐसा होता है कि अगर गाड़ी बंद हो गई एक बार भी, मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में ही, एक हफ्ता तो जैसे नॉर्मल चल रहा है बंदा है ना, कवर कर रहा है धीरे धीरे, पर उसके बाद अगर कुछ भी गलतियाँ होती थी तो पेनल्टी लगती थी, 50 रुपए, 100 रुपए या ट्रीट देनी है, ऐसे ऐसे पेनल्टी लगती थी। अच्छा, और ऊपर से इनका रखा रहता था एक गिलास पानी का, पानी का गिलास, और वो रख देते थे आगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे यहाँ रखते थे, यहाँ पे ये हैंकी पड़ी है उधर रख देते थे। अच्छा, और उससे गड्ढों में बोलते थे गड्ढे बचाने हैं और पानी नहीं छलकना चाहिए, कभी पानी की ओर रख देंगे, कभी अपनी दवाई की शीशियां रख देंगे, इसमें से गिरना नहीं चाहिए ये नीचे, तो बड़ा तगड़ा टेस्ट होता है। गिर गया तो फिर कभी पेन पड़ते थे, कभी मुंह के पड़ते थे, खींच खींच के, बिल्कुल मतलब बहुत मार खाई है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सीखे और वो मार का मतलब फायदा भी हुआ, ऐसा नहीं है कि वो मार पड़नी भी जरूरी है, जब वो मार पड़ती है तो तभी अकल आती है, तभी अकल आती है। चलो सूरज भाई ने तो लड़कियों के साथ काटा, इनको कांचा के साथ मिलना है। ये बात तो सही बोली भाई, ऐसा नहीं है, लड़कियां तो बाद में आई थी भैया यार, पहले तो लड़के ही थे ना, कांचा कह रहे उसमें बाद में भी आई लड़कियां, हां नहीं तो यार ये सूट पहन के आएगा अब देखता। सारी फीलिंग दिखाएगा यार, लवर पहन के आऊंगा, लवर वाल, लवर पहन के आएगा, लवर नहीं यार। हाँ आप थर्ड गियर से प्लेन हो गए ना, तो आप थर्ड गियर डाल सकते हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पांचवा गियर डल गया है, ठीक। देखो गियर तो आप सही डाला लेकिन एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाता है, ये दिक्कत हो रही है अभी भी गियर चेंज करते समय, ठीक है? तो यहाँ से भाई का हिल समाप्त होता हुआ ये लास्ट हिल है, आमडंडा गेट, गेट गेट रामनगर पहुंच गए। तुम्हारा डायलॉग भी आ रखा वाला भाई पिक्चर का, वादियों वाला उसका डायलॉग, अब स्पीड कम है जा, कितने दिन से नहीं गया, पांच से नहीं गया, स्पीड है बढ़िया, एक हफ्ते से ना, उधर उधर एक हफ्ते से नहीं गया, उससे पहले से तो जा रहा है, बहुत बढ़िया। देखिएगा दोस्तों यहाँ से इनका हिल समाप्त होता है। दोस्तों आपको इनकी ड्राइविंग और मेरा सिखाना पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।